जी न्यूज बोलर के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, बीजे प्रेस रोड पर देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी वालों ने ये अतिक्रमण कर रखा, पूरी रोड को जाम किए हुए। नगर परिषद का अतिक्रमण का दस्ता आया हुआ, लेकिन फिर भी गाड़ियों को नहीं हटा रहे हैं। देख रहे हैं ये गाड़ी बीच रोड में गाड़ियाँ खड़ी है, रास्ता बिल्कुल जाम हो जाता है। कई बार एमरजेंसी वाले जा नहीं पाते। देख रहे हैं बीच रोड में गाड़ी खड़ी है, आखिरकार में जाए वाहन जाएगा तो कैसे जाएगा। और अतिक्रमण का दस्ता भी इधर, ये देख रहे हैं गाड़ी नगर परिषद की, ये देख रहे हैं अतिक्रमण की, मतलब कोई थोप ही नहीं है। नगर परिषद की गाड़ी आई हुई है, लेकिन फिर भी गाड़ियों को नहीं हटा रहे। नगर परिषद का रास्ता आया हुआ है, क्या कहना चाहोगे? ये रास्ता ऐसे ही जाम रहता है क्या? ये रास्ता ऐसे ही जाम रहता है क्या? ये देख रहे हैं ये रास्ता को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। आम पब्लिक जो आने जाने वाली है बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। अभी सफाई करने के लिए ये गाड़ी आई थी, सफाई करने वाली गाड़ी, ये देख रहे हैं इनका गाड़ियों का जमकर लगा रहता है कत्ती बिल्कुल। भाई साहब हमारी तरफ से फुल छूटे सख्त आदेश करो। देख रहे हैं ये गाड़ी दोनों तरफ लगती है और बीच रोड में राहगीर फंस जाता है, कई बार जाम लगता है, कई बार स्थिति खतरनाक हो जाती है। सख्त आदेश लो। देख रहे हैं ये दोनों तरफ, आखिरकार में जाएगी तो कहाँ जाएगी? देख रहे हैं यार दोनों तरफ, ये देख रहे हैं इनकी गाड़ी खड़ी रहती है इनकी। हमारा जिला प्रशासन से आग्रह है, ये गाड़ियों का यहाँ से जो अवैध रूप से ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है इनको यहाँ से हटाया जाए। देख रहे हैं बिल्कुल बीच रास्ते के अंदर, देख रहे हैं दोनों तरफ गाड़ी खड़ी रहती है, बीच में कोई अगर आने जाने वाला फंस जाए तो घंटों जाम लगता है यहाँ पर। आखिरकार 3-4 कॉलोनियों के जाने का रास्ता है ये, और जाम लगा रहता है यहाँ पर। देख रहे हैं आप, ये अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पर, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें, आप लोगों का क्या कहना है? राहगीरों को होती है परेशानी, कई स्कूल हैं इधर, स्कूल में बच्चों को होती है परेशानी निकलने के लिए। देख रहे हैं आप बीच रोड में दोनों तरफ गाड़ी खड़ी रहती है, और ये सफाई वाली गाड़ी आई तो उसको भी रास्ता नहीं दिया। नगर परिषद के दस्ते ने हमें स्कूल की बसें जाम लगाती है, ये भी तो बोल रहे हैं। कहोगे भाई साहब दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का क्या कहना है? ये देख रहे हैं अवैध रूप से यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है, और इनका कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। नगर परिषद की अतिक्रमण की गाड़ी आई, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं हटाया। देख रहे हैं नगर परिषद की गाड़ी हटाने के बाद भी हम कह रहे हैं सख्त कार्रवाई करो, इस चौराहे की सख्त करो, स्कूल की बस खड़ी उनकी ले फोटो। कमेंट करें, शेयर करें, आप लोगों का क्या कहना है? रास्ते को बार बार में जाम करते हैं, हमारा जिला प्रशासन जाग रहे हैं, इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। स्टाफ आपके साथ है, ये मत कहो स्टाफ आपके साथ है, पूरी कार्रवाई। मगर जो दूसरी गाड़ी आती है वो करके जाती है, हम खुद कह रहे हैं हमारा स्टाफ। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख रहे हैं पूरी गाड़ियाँ, नगर परिषद का दस्ता आने के बाद भी गाड़ी को नहीं। वकील साहब आपका क्या कहना है? गाड़ियाँ रास्ते को जाम कर देती हैं बार बार में, ये अवैध रूप से गाड़ियाँ रखी हुई है, प्राइवेट गाड़ी है ये किसी की, यानी टैक्सी भी नहीं है, नई टैक्सी स्टैंड है, और आम जन को ये रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध कर रहे हैं, और रोजाना ये दुर्घटना होती है। गाड़ियाँ इस तरह से खड़ी रहती है, जिस तरीके से है ना, रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चों की किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, रोजाना दुर्घटनाएँ होती है, गाड़ी हटनी चाहिए।
गाड़ी हटनी चाहिए बराबर देखना, जो बिल्कुल रास्ते को ब्लॉक कर देती है, आम रास्तों को जगह नहीं देती है, कमेंट करे से ऐसे। ये रास्ता इन गाड़ियों से टैक्सी गाड़ियों से जमा नहीं होता, जाम नहीं होता। जो गाड़ी आती है ना वो गाड़ी है जिससे स्कूल वाला ये जाम लगाता है यहाँ पे। उधर हनुमान देखिए थोड़ा सा इधर इधर घुमाइए कैमरे को, हनुमान लोहे वाला पूरा रास्ता जाम कर देता है। एक मिनट, पूरा डिवाइडर जाम, उधर देखिए करता है सारा नाटक, पूरा डिवाइडर जाम कर देता है। एक चीज बताता हूँ मैं, स्टाफ के ना स्टाफ की कोई गलती नहीं, स्टाफ अपनी साइड लगाता है। अवैध गाड़ी जो आती है ना देखिए, हमारे मिस्त्री है इसकी भी नगर परिषद की, नगर परिषद की जब गाड़ी आई तो आप लोगों ने हटाया क्यों नहीं इसको? किसको? हमारी गाड़ी एक भी नहीं थी, बोलो हमारी गाड़ी थी। आपको काफी के लिए हम लड़ाई लड़वाना चाहिए ना आपकी, हम थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे इनसे। आप वो गाड़ी कहाँ ला बताओ आप? हमारे स्टाफ की गाड़ी कहाँ जाओ ना आप, उधर जाओ, उधर जाम लग रहा है। ड्राइवर एक साथ नहीं होते, ड्राइवर सही होते हैं। इधर सुनो, हमारा जिला प्रशासन से आग्रह है, एसपी साहब से आग्रह है, इनके खिलाफ में कार्रवाई किया की जाए। जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं, रास्ते को जाम करते हैं बार बार में, कई बार स्कूल के बच्चों के साथ में घटनाएं घटती है, कमेंट करें, शेयर करें। आप और देख रहे हैं किस तरह से, देख रहे हैं ये स्कूल की, देख रहे हैं ये स्कूल की बस आई। अरे मेंबर था, ये गलत कर, गाड़ी वाला नहीं कर रहा, ये स्टाफ गलत कर रहा है। ये अवैध जो आते हैं वो करे, एक जीपीएस स्कूल की बसें लगती है, जिम्मेदारी नहीं बनती है। जिम्मेदारी हमारी जीपीएस वाले से हम लड़ेंगे, ये अवैध जो गाड़ी आती है इनसे लड़ेंगे। अभी आया ट्रैक्टर, ये अवैध में नहीं है, देखो ये अवैध में नहीं है कि नहीं है। आपको रास्ता तो करना चाहिए, रास्ता हमारी गाड़ियों की तरफ से रास्ता क्लियर है। जो ये गाड़ी आती है फालतू, जो दूसरी की होती है वो हमारी नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस को हाई सेकेंडरी में मांग क्यों नहीं करते हो आप लोग? हाई सेकेंडरी परमानेंट हटा देंगे, लेकिन आप तो हमारे मेंबर हो, आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ आप हाई सेकेंडरी को किराया देने को तैयार है, हाई सेकेंडरी हर महीने देंगे। बोलो हाई सेकेंडरी विजय पैलेस के लिए किराया लेके गेट खोल देता है, हमारे लिए गेट नहीं खोलता, हर महीने देने को तैयार है, हर महीने देने को तैयार है। जमा कर लो हमसे, हमारा जिला प्रशासन से आग्रह है इनके लिए कोई जगह दी जाए स्थायी, ताकि रास्ते पर अतिक्रमण ना हो, आम रास्ता आसानी से चल सके। आप भी ड्राइवरों के लिए दो थोड़ी। और देखो सीधी सी बात है, हम हर महीने को किराया देने को तैयार, जब ये मेरी ढोल के लिए दे सके क्या? एक बार प्रशासन से बात भी चली थी इस बात, एसडीएम साहब ने, गंगापुर से एसडीएम साहब ने हमारे लिए जगह नियुक्त की थी, मुकार सिंह जी लखावत है वो आए थे, नाम तो मतलब भूल गया, लामाजी थे, ये जगह नियुक्त करके गए थे, पुरानी चुंगी भवन लेके गाड़ियों रास्ता जाम कर दो, करते हमारी गाड़ियों का देख रहे हो, आम गाड़ी आई थी वो भाग गई, ये पर्सनल गाड़ी थी जो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर हमारी गाड़ियों का कोई शिकायत हो तो हमारे हम जिम्मेदार है। आपको ऐसा लगता है आप एक पुलिस वाला नियुक्त कर दो, होमगार्ड कर दो, एक ट्रैफिक वाला कर दो, हमारी गाड़ियों का हम आगे चालन करेंगे। हमारी गाड़ी हमारा जिला प्रशासन से आग्रह है, इनकी भी स्टाफ कोऑपरेट करता है, आपको समस्या है इनको भी स्थायी जगह दी जाए, ताकि बार बार की समस्या का समाधान हो सके। देख रहे हैं अब देख रहे हैं आप, अब देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जाम लगा हुआ है, देख रहे हैं आप किस तरह से एक टेम्पो भी नहीं निकल सकता। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं स्कूल की बस इसमें फंस गई, ये जीपीएस की स्कूल से जाम लगता है, ये एक किलोमीटर तक जाम रहता है। ये गाड़ी नहीं हो तो गाड़ी को लाइन मिल जाए सारी इधर दिखा थोड़ा सा डिवाइडर। ये हनुमान लोहे वाला भी गलती करता है, ये पता ही रोड पे रोड दे रहा है, हनुमान की नहीं करो ऐसा शिकार, ये जैसे को देख रहे हैं किस तरह से। हाँ लिया लिया से भी लिया, अरे तेरी कमी लिए आप देख रहे हैं, देख रहे लसो आखिर घर में पानी टैंकर वाला निकलेगा तो कैसे निकलेगा? ये सब गाड़ी हनुमान लोहे वाले की डिवाइडर सरिया पटक लगा, हाँ सरिया पटक देते हैं ये अलाउ है, ये प्रशासन के लिए अलाउ है क्या? देख रहे दर्शकों, ये डिवाइडर जो बनाया गया था
जो ये डिवाइडर बनाया गया था आम लोगों के लिए, रास्ते के लिए बनाया गया, लेकिन इस पर भी ये इस पर भी अतिक्रमण देख रहे हैं आप। जो जगह बीच रोड पर कितने ये सरिये डाल रखे हैं मेन रोड पे। नहीं, यहाँ पे हमारी आगे 5 गाड़ी लगती है, क्या दिक्कत है? ये अलाउ है क्या यहाँ पे? अलाउ है ये? अधिकरण क्या स्टाफ भी करता है? ये 2 पैसे कमाने आते हैं, ये नहीं कमाएंगे? पैसे वाला पैसे कमा ले, गरीब आदमी पैसे नहीं कमाएगा, बाल बच्चे को झेल देगा। आप लोगों का क्या कहना है? ये जो डिवाइडर बनाए गए थे आम लोगों के रास्ते के लिए बनाए गए थे, नेगी किसी भी दुकानदार के लिए डिवाइडरों पर बिल्कुल अतिक्रमण किया हुआ है लोगों के। हमारा जिला प्रशासन से आग्रह बिल्कुल डिवाइडरों को खाली कराया जाए ताकि आम लोगों का रास्ता क्लियर हो सके। आपको ये जितनी बाइक खड़ी है ना ये रोडों पे, इनको भी समझा, ये भी अतिक्रमण में आता। आप हर बार स्टाफ की कहते हैं, ये भी है ना, हमारी गाड़ी आती घूमने में दिक्कत आती, ये बाइक है, ये है, ये है, यहाँ तक गाड़ी घूमने में एक्सीडेंट होते हैं, काफी होते हैं यहाँ पे। कमेंट करें, शेयर करें। आप ये बताइए, ये नगर पालिका की चुंगी थी पहले, इसने फिर पुलिस चौकी खोल दी राजनीतिक के कारण, और क्या कहते हैं, ये भुआ भुआ की तरफ से इसको फुड़वा दिया गया है। इसने प्रशासन भी मिला हुआ है, पुलिस भी मिली हुई है, और इनने इनको फुड़वा दिया गया है। क्यों? ये दुकान क्लियर करने के लिए। देखो उधर दिखाओ, उधर दुकान प्रशासन चेंज हो गया। प्रशासन चेंज हो गया तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दोबारा क्यों नहीं बन रहा? हम यहाँ पास प्याऊ बनाना चाह रहे हैं, प्याऊ बनाने नहीं दे रहे। अब आने जाने वाले के लिए सुविधा करना चाह रहे हैं, कोई गरीब आदमी है ना, इनका रास्ता क्लियर कर लिया। और हम तो आप कहो जहाँ पे तैयार है, हमें गेट खुलवा दिया, हम इसका किराया देने को तैयार है। जगह इनको भूमा प्याऊ को भेज दी, इसकी जाँच होनी चाहिए। कौन कौन इसमें दोषी है? बराबर जाँच होनी चाहिए। यहाँ पे वही चौकी बनवा दो, ट्रैफिक चौकी, हमें फायदा हो जाएगा। इसमें राजनेता भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है, इसकी जाँच होनी चाहिए। कलेक्टर हमारी साफ 10 गार्ड लगी रहती है। कमेंट करें, शेयर करें, आप लोगों का क्या कहना है? आखिरकार ये रोड कभी समस्या अतिक्रमण से मुक्त होगी या नहीं होगी? दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें। देख रहे हैं काफ़ी देर होगी इसको, काफ़ी देर होगी। देख रहे हैं ये स्कूल की बस फंसी हुई है, देख रहे हैं आप। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें।